सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की, जिसमें आग लगी है। दिल्ली से देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगी है और इसके C5 कोच की खबर मिल पा रही है कि उसमें आग लगी। आग डोईवाला के करीब जंगल में लगी और आग लगने के कारण का फिलहाल नहीं पता चल पाया है। शताब्दी ट्रेन के एक कोच में आग लगी है और इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया, ये बड़ी खबर आ रही है। शताब्दी ट्रेन जिसमें आग लगी है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी ट्रेन की, धू धू कर जल रही है शताब्दी ट्रेन। आग लगी दिल्ली देहरादून शताब्दी जिसमें आग लगी है, हालांकि आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्या वजह, क्या कारण रहे इसके, इस बारे में अभी फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है, धू धू कर जल रही है ये ट्रेन। नई दिल्ली से देहरादून आ रही थी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जिसमें आग लगी है और फिलहाल इसके बाद हड़कंप पूरे इलाके में, वजह और कारण अभी तक नहीं पता चल पाए हैं। लोको पायलट और गार्ड ने सूझबूझ दिखाई जिसके चलते ट्रेन को कांसरो रेलवे स्टेशन पर रोका गया और इसके बाद राजाजी टाइगर रिजर्व और रेलवे के अधिकारियों को किसी तरह से सूचना दी गई। सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं और यात्रियों को फिलहाल दूसरे कोच में भी शिफ्ट कर दिया गया है। लोको पायलट में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया और जंगल के बीचों बीच ट्रेन रोकी गई। C5 कोच जिसको पूरी तरह से खाली करवाया गया और इसके साथ ही कोच को ट्रेन से अलग भी किया गया ताकि दूसरे जो कोच है वहां तक आग ना फैले, उनको सुरक्षित रखा जाए। दिलीप सिंह राठौर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, क्या खबर मिल पा रही है, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। नवजोत, देखिए ये ट्रेन दिल्ली से देहरादून पहुंचती है और रास्ते में कांसरो का जंगल पड़ता है डोईवाला के पास, जहां पर शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से इस बोगी में जबरदस्त आग लगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भयानक आग है वो इस समय दिखाई दे रही होगी। आग जिस तरीके से लगी है उसमें फॉर्चुनेटली अभी तक ये सूचना नहीं मिल पाई है कि उस बोगी में कोई था या नहीं, क्योंकि आम तौर पर ये बोगी हरिद्वार में खाली करवा ली जाती है, खाली हो जाती है ये बोगी। तो ये एक सुकून भरी खबर जरूर हो सकती है कि इसमें कोई व्यक्ति शायद मौजूद नहीं था, लेकिन अभी सही जानकारी पूरी तरह से अभी नहीं आ पाई है कि कोई इसमें व्यक्ति था या नहीं। लेकिन आम जिस तरीके से सूचनाएं आ रही हैं अभी तक ये जानकारी मिल पा रही है रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से कि इसमें कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। आग बेहद भयानक है, ये सुकून भरी बात जरूर है कि वहाँ पर जो बचाव दल है वो वहाँ पर पहुँच गए और आग पर किस तरीके से काबू पाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप, हम देख भी रहे हैं कि आग कितनी भयानक है, धू-धू कर पूरी बोगी उसमें वो जल भी रही है, लेकिन जो खबर मिल पा रही है वक्त 12:20 के आसपास था जिस वक्त ये आग लगी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या जिस वक्त ये आग लगी शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, कोई इस बोगी में सवार था या नहीं? चलिए सवारी आगे में तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से जो बात हुई है उन्होंने कहा कि हरिद्वार में ये बोगी खाली हो जाती है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस समय इस बोगी में कोई नहीं होगा। ये सिर्फ अनुमान है, अभी हकीकत क्या है कि इस समय हकीकत के अनुसार अगर इसमें कोई है या नहीं है इस बात की अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन धीरे धीरे कर जैसे ही जानकारी आती रहेगी आज तक के माध्यम से ये जानकारी लोगों तक पहुंचती रहेगी। दिलीप ये भी बताएं, क्योंकि खबर आई कि कांसरो रेलवे स्टेशन है वहां पर इस ट्रेन को रोका गया और ये सूझबूझ जो थी वो लोको पायलट और गार्ड की थी जिस वक्त वहां पर इसको रोका गया। कांसरो रेलवे स्टेशन के बारे में जरा जानकारी दीजिए, आसपास का किस तरह का इलाका है? देखिए डोईवाला रेलवे स्टेशन है और कांसरो का जंगल पड़ती है, राजाजी नेशनल पार्क के अंदर आने वाला जंगल है और इस जंगल के बीच में शॉर्ट सर्किट से जैसे ही आग लगी ड्राइवर की तरफ से एक इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया जिसकी वजह से आग बाकी के कोचेस में फैलने से बच गई। तो इसे सूझबूझ जरूर कहा जाएगा, गार्ड की और जो ट्रेन का ड्राइवर था उसकी सूझबूझ जरूर कहा जाएगा कि इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए। ये एक अच्छी बात है कि जंगल में इस तरीके से ट्रेन को जब मूव किया जाता है राजाजी नेशनल पार्क में, जब ये ट्रेन पहुंचती है तो उस दौरान ट्रेन की गति को धीरे कर दिया जाता है, तो ये भी एक अच्छी और मुख्य वजह हो सकती है कि बाकी के कुछ में आग फैलने से बच गई। जी नजर आप बना रखिए। दिलीप शुक्रिया फिलहाल, दिलीप सिंह राठौर हमारे सहयोगी पूरी जानकारी इस मामले में दे रहे थे। बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, धू धू कर जलता
ये कोच C5 कोच बताया जा रहा है, दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस। वैसे खबर ये भी आ रही है कि ये वाला कोच अमूमन हरिद्वार में खाली हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जहां पर जिस इलाके में कास्ट्रो एरिया में जहां पर आग लगी है वहां पर अभी तक खबर ऐसी नहीं है कि कोई इसमें था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।